द न्यूज़ पढ़ रहे हो क्या? हेलो गाइस, न्यूज़ बॉय हियर। आज मैं आया हूँ फेक न्यूज़ देने, कंट्रोवर्सी करने और आप लोगों को बेवकूफ बना के अपने चैनल पे व्यूज लेने। एक बार देख भी लो, काप कर रही हो। सो आज बड़ा ही मजेदार वीडियो होने वाला है। ये कोई व्लॉग नहीं है, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे को आज व्लॉग देना चाहिए था बट व्लॉग नहीं दे पा रहा है। मैं पता नहीं क्या बेवकूफ बना कर रहा हूँ। और हाँ, आज हम एक यूट्यूबर का जो न्यूज बंदे जो देते हैं इनका स्कैम मैं बताने वाला हूँ, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे पैसे बनाते हैं हम लोगों को डिफेम करके और आपको बेवकूफ बना के और हम दोनों में आपस में लड़वा के पैसा वो बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यूट्यूब पे बहुत फेमस न्यूज चैनल है जैसे कि न्यू ऑन मैन हो गया, न्यूज फेक बॉय। तो जैसे मैं कल लेटा था, मैंने अपना स्क्रॉल करता रहा था यूट्यूब, तो मेरे को एक वीडियो दिखी, न्यूज बॉय ने डाली थी, ठीक है। तो उसमें था कि गौरव जोन एक्सपोज। मैंने कहा यार एक्सपोज ऐसा क्या हो गया। मैंने फिर वीडियो खोली तो न्यूज बॉय ने क्या करा है, एक वीडियो को शाउट आउट दिया है, शाउट आउट पैसे लेके दिया है। वो मैं बताऊंगा पैसे कैसे लिए और क्यों लिए। तो जिस वीडियो को उसने डाला उस वीडियो पे है 150 सब्सक्राइबर थे जब उसने शाउट आउट दिया और व्यूज कितने थे 2000 थे जब उसने शाउट आउट दे दिया, मुद्दा बना दिया। अब उसके करेंटली 2000 पार सब्सक्राइबर हैं और 25,000 से ज्यादा व्यूज हैं। सुल्तान, अबे रुक। ए सुल्तान, ए क्या कर रहा है अबे? क्या होगा लगता है अबे? तो इनका न्यूज वालों का ऐसा रहता है सीन, न्यूज वालों को तो मैं साइड रखूंगा क्योंकि बहुत से जेन्युइन न्यूज वाले भी हैं जैसे न्यून मैन पर्सनली मेरा फेवरेट। मैं खाली फेक न्यूज वाले की बात करूंगा जो है न्यूज बॉय। ये बंदा इतना फेक है, ये बंदों से क्या करता है, बंदे जो नए चैनल बनाते हैं उनको ग्रो होना होता है तो वो इसको 1,000 रुपए या 2,000 रुपए देंगे और कहेंगे कि देखो हम फेक कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, फेक एक्सपोज कर रहे हैं, तेरे को बस तेरा काम ये है कि उसको हाईलाइट करना है, तेरे को बस न्यूज बना के दिखानी है ताकि हमारे चैनल पे व्यूज आए। अब 1,000 रुपए न्यूज बॉय ने ले लिए, 2,000 रुपए न्यूज बॉय ने ले लिए, अब शाउट आउट दिया, अब शाउट आउट से उस नए चैनल पे व्यूज आए, उसकी मोनेटाइजेशन खुल गई तो उसके वहां से रिकवर हो गए। बेवकूफ कौन बना? बेवकूफ आप बने और मैं बना, क्योंकि ये है वो एक्सपोज वीडियो हम पे बनाते हैं और कंफ्यूज आपको करते हैं और टाइम आपका खराब करते हैं, ठीक है। पैसे किनके बनते हैं? न्यूज बॉय जैसे फेक यूट्यूबर हो गए। तो पहले स्टार्ट से खुलासा करते हैं। तो सबसे पहले जो जिस वीडियो को न्यूज बॉय ने शाउट आउट दिया है उस वीडियो को मैं आपको खोल के दिखाता हूं और उस कैसी फेक बनाई गई है कॉन्ट्रोवर्सी मेरे नाम की उसको मैं दिखाऊंगा, एक एक पॉइंट से प्रूफ करता हूं कि पहले उस वीडियो को खोलते हैं जो नई वाली वीडियो जो जिसको शाउट आउट दिया न्यूज बॉय ने। अब जैसे कि आप इस सीन में देख ही रहे होंगे, ये एक जो गेट है मेन और जो ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड को और ये गेट को दोनों को जरा अच्छे से एक बार देख लो क्योंकि ये अभी आगे बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है उस डेट की तरह। दिल्ली इंडिया एमसीडी का स्क्रैप हाउस नहीं है क्योंकि आगे तो इसके अंदर जरा तुम ये गेट देखो, ये गेट पे जरा कहां हरे पर्दे कहां गए भाई, हरे पर्दे कहां गए और वो बोर्ड कहां गया। अब रही बात दूसरा प्रूफ देने की, जो बंदा कह रहा है कि देखो इस गेट से लेके उस गेट तक कैसे पहुंचे है ना, इस गेट से लेके उससे गेट से निकल रहे हो, तो मैं बता दूं ये मेरे को लगा पहले ये गेट है बट इसकी एंट्री यहां से भी है और पीछे से भी है तो हम पीछे से गए थे। सो हे गाइस, फेक बॉय हियर। पहले बोर्ड देख लो, अब अनकट वीडियो देखना, मेरे पीछे चलो गेट दिखाता हूँ वो वाला भी। अब हद हो गया यार, अपने कॉन्टेंट को चार चार बार बना के बताना पड़ रहा है। हाँ भाई हम रियल है, शो गाइस जल्दी चलो। अब ये तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, चल चल के 5 मिनट तो यहीं कवर हो जाएंगे। अब ये चीज मैंने उस ब्लॉग में नहीं डाली कि टाइम बच जाएंगे तो लोग सोचते उस गेट से इस गेट कैसे पहुंच गया। आधे घंटे के ब्लॉग्स बनाए क्या आपसे? एक एक घंटे की चीज बनानी पड़ी, इस गेट से उस गेट तक कैसे गए। तो ये रहा भाई गेट, ये देख लो, आओ दिखाओ पढ़वाओ भी। क्या लिखा भाई जूम मारना? एचडीएमसी। तो मेरी गाड़ी है अंदर आ जा। तो अभी मैं अपनी गाड़ी की फिर से कंडीशन दिखा देता हूँ। एमसीडी की है ये ना पार्किंग भाई साहब? एसडीएमसी। एसडीएमसी की है ये। इन्होंने तो पूरी खत्म कर दी, यहाँ से देखियो। उधर तो मेरी गाड़ी नहीं है, नाम मैंने लगाया। अरे यार, और बंदे कह रहे मेरी गाड़ी नहीं है। ये देख लो भाई, नंबर चेक कर लेना, मिला लेना। अंदर से एक्सेसरीज दिखा देता हूँ, आ जाओ। हेलो, एक्सेसरीज देख लो अंदर से। हाँ, तो ये देखो, ये पूरा तोड़ दिया। और ये मेरी, मैंने यहाँ नंबर दिखाया था अपने जन्मदिन वाली वीडियो, ये देखो अभी भी लिखा पड़ा है। तो
अब तो ये खत्म, अब तो स्क्रैप भी हो गया ये, और अब तो स्क्रैप है क्योंकि ये चीज अभी लगी गई है, पहले नई चीज है पहले। तो ये पूरी मेरी गाड़ी है, हाँ दिखा दिया। मतलब लोग मतलब कुछ भी कहते हैं कि ये कहते हैं ये होंडा सिटी तेरी नहीं है। अरे यार जब अंदर एक्सेसरीज दिखा रहो सब दिखा रहो, मैं मेरी गाड़ी है जब भी तो दिखा रहा हूँ यार। क्योंकि मेरे को जो बोलने के लड़के कह रहे हैं कि इसमें पीछे गौरव जो लिखा था वो क्यों नहीं लिखा। भाई गौरव जोन जो लिखा हुआ था वो एक साल छः महीने पहले ही मैंने सारी गाड़ियों में से हटा रखा है। अब मेरी ना थार पे है ना किसी पे है मेरे भाई, ऐसे मत करो यार। तुम डेली व्लॉग्स देखते हो फिर भी तुम्हें पता नहीं है। अब ये कौन सी है, वो उसकी पार्किंग है ना एमसीडी की, एमसीडी की पार्किंग है। तो यहाँ पे इतनी कम गाड़ियाँ क्यों रहती है? एक और प्लॉट एक और भी है ना। अच्छा आगे भी है, ये सारे प्लॉट में सारी गाड़ियाँ आ रही है। कह रहे हैं MCD का नहीं है, खाली पार्क है ये, MCD का नहीं ये MCD की पर्सनल अपनी पार्किंग है, स्क्रैप की उस पे लाया है कि ये गाड़ी स्क्रैप है इनके। कोई मुझे बताएगा कि MCD ऑफिस के बारे में कार डीलर इनकी गाड़ी क्यों उठा के लाया, ये तो कोई कार डीलर है ना। और रही बात, बंदा कह रहा है ये कार डीलर है, कार डीलर तुम्हारी गाड़ी। अरे यार ये मेरा दोस्त है, मैंने इसको बुलाया। मैं तुम्हें एक सेकंड मैं बताता हूँ, ये MCD की पार्किंग थी, मैंने इसको बताया भाई क्या रूल होते हैं MCD के कि तुम कार डीलर हो तुम्हें ज्यादा नॉलेज है। ये आया और इसने मेरे को गाइड करा कि ये MCD वाले खाली स्क्रैप गाड़ी को ले आते, गलत समझ। तो इसने वो एक्सप्लेनेशन दी थी, चक्कर में किसी ने कंप्लेंट करी थी कि आपकी गाड़ी जो ये गाड़ी काफी दिन से खड़ी है, ये बाहर थे आप तो दिल्ली थे, तो किसी ने कंप्लेंट की तो MCD वाले गाड़ी उठा के लगे कि ये स्क्रैप की गाड़ी है। हाँ ये डीलर है भाई, ये डीलर है और ये मेरा दोस्त है, ये MCD वाला नहीं है। तारीख से उठी थी और 35,000 का चलान कटा और MCD के अफसर बोल रहे हैं 2,000 रुपए चलान है इनका, मतलब तो यार ये किस हिसाब से हुआ? अगर तुम लोगों को कैलकुलेशन आती है तो 20 तारीख से 3 नवम्बर जिस दिन इनका व्लॉग पब्लिश हुआ है उस दिन हम देख लेते हैं, 14 दिन बनते हैं और 2,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी तो 28,000 रुपए बनते हैं ना, ये 35,000 कहाँ से बना देगा। और रही बात एक और जो बंदा कह रहा है भाई 10 दिन कितने, मतलब इतने दिन चोरी हुई थी 28,000 का बिल हो रहा है, 35,000 का बता भाई कैलकुलेशन कर रहा है ना तू। हाँ। बात सुन ले पहले, 2,000 रुपए पर डे ठीक है, और करेंट का चार्जेज और 2 रुपए किलो बॉडी का कुछ चार्जेज है उठाने का, जितने का चाचा देगा पैसा भाई तू 28,000 नहीं बता ना, तो तू कोई नहीं होता साथ लगाने वाला। कॉल करवाई थी अनफेक कॉल करी थी आपने, सिर्फ 100 नंबर यूं ही झांसे में मिला दिया यार। अगर आपके अंदर डेयर होता ना तो आप वो 8 जो स्क्रीन पर आ रहा था उसे हाइड भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं करा क्योंकि उसका नंबर दिख जाता ना जो भी आपका छपरी दोस्त पीछे था। तो कुबर भैया रही बात, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ही बोली थी, बंदे कह रहे तूने 8 नंबर को फोन करी। अरे यार जिंदगी में तुमने थाने की शक्ल देखी है यार? अब लो 8 नंबर पे कॉल होता है ये देखो, अब तुम्हारे सीन ऐसा था कि जब भी आप 100 नंबर पे कॉल करोगे तो वो वेरिफिकेशन के लिए 8 दबवाता है ठीक है। मैंने 100 नंबर वाला पार्ट काट दिया, 8 वाला रखा, तो लोगों को लगा कि फेक 8 पे मिलाया है और फेक बंदा है। तो अब देखो आपके सामने 100 दबाता हूँ ठीक है, 100 दबाया, ये एयरपोर्ट कनेक्ट है। 112 सेवा में आपका स्वागत है, सहायता के लिए 8 दबाएं। क्या मांग रहा है? सहायता के लिए 8 दबाएं, 8 नंबर। आठ नंबर को दोस्त में मिला लिया। हाँ। अबे तेरे क्या चाचा बैठे हैं वहाँ पे थाने में, दोस्त बोल रहा है फोन में प्रॉपर पता लग रहा है कि फोन से आवाज आ रही है, पीछे कैसे बोल देगा बंदा यार? मतलब मैंने 100 नंबर वाला पार्ट काट दिया ताकि वीडियो लंबी हो जाए। 8 दिखा रहा है ना अभी आपके सामने, मैंने 100 के बाद 8 दबाया तो खाली स्क्रीन पे 8 आ रहा है। क्लियर करा आपके सामने, कोई वो वाला फेक वाला काम नहीं ठीक है। वीडियो के अंदर FIR की कॉपी दिखानी पड़ जाती और FIR जब वो करके नहीं आया तो कॉपी कहाँ से दिखाते, झाट के बाल थे यार, ये बात साफ पता चल रही है। और रही बात FIR की, FIR की कंप्लेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वो मान तो मेरी गलती है क्योंकि मेरे एडिटर ने वो डालना भूल गया। और रही बात मैं थाने गया क्योंकि मैंने पहले ऑनलाइन करा, उन्होंने ऑनलाइन बोला कि आप वहाँ से FIR की कॉपी कलेक्ट कर लेना थाने से, तो मैं थाने पे गया तो उन्होंने मेरे को बोला नहीं भाई वो ऑनलाइन ही प्रोवाइड होगी आपको। तो ये पूरा सीन था यार, बातों को ना तोड़ के, दो बातें यहाँ से तोड़ ली, दो बातें वहाँ से जोड़ ली, 4 मसाले लगा लिए यार। और मेरे को तो समझ नहीं आता यार पब्लिक मान कैसे जाती है यार, आप भी इतने समझदार हो यार। पर जैसे कि अब आप देख रहे हो इन्होंने गाड़ी जानबूझ के तोड़ी है, इस साइड से भी इस साइड से भी डैमेज करी ताकि बंदा अब छुड़वाना चाहे तो छोड़ जाए कि भाई तो स्क्रैप की हो गई है कि लेके ही मत जा। और इनके क्या करेंगे अब थोड़े थोड़े पार्ट्स आधे गायब हो चुके हैं मेरी गाड़ी के, 10 दिन बाद आऊँगा तो सीटें तक भी निकल जाएंगी मेरे को पता है, तो इसलिए अब छुड़वाने का फ़ायदा नहीं है। अगर न्यूज बॉय तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ग्रीन पार्क गुरुद्वारे के पास है, वहाँ पेनल्टी पे करो, मैं साथ चलूँगा, तुम्हें ज़्यादा दर्द हो पेनल्टी तुम दे दो भैया, छुड़वा के मैं ले आऊँगा अपने घर, उसकी न्यूज़ बना लेना, व्यूज़ आएंगे तुम्हारे, खुश हो जाओगे तुम। तो इस न्यूज़ बॉय का किट्टा चिट्टा खोलें तो इसने करीब 450 करीब वीडियो डाली हैं जिसमें से 75 या 80 वीडियो तो मेरे पे ही हैं। तो मैंने इसके चैनल को बहुत स्टडी करा और मैं बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ क्योंकि मेरे पे बहुत वीडियोज़ बनाता है। इसके चैनल पे
आते थे 200 व्यूज 300 व्यूज मैक्सिमम 1000 व्यूज आते थे। फिर इसने क्या करा, आजकल आप देखते होंगे कि जो भी मेरे टाइटल में नाम लिखता है गौरव जोन एक्सपोज ये वो, तो उस पे व्यूज आते ही आते हैं। तो इस बंदे ने वो टेक्निक अपनाई और वो टेक्निक कर गई काम, और रिजल्ट आप देख सकते हो जैसे स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, 1000-2000 से सीधा 60,000-70,000 कैसे जंप लगी। तो भाई वही है, कुत्ते को घी की रोटी हजम नहीं होती, तो ये करता गया और बनाता गया। और मैंने इग्नोर करा, मैंने क्या बोलो यार बाला के ऐसे लोगों को, मेरे से मोस्टली लोग बोलते हैं भाई आप इतने वो हो, आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे कि आपका कंटेंट कम है क्या। मैंने कहा छोड़ो, मैंने भी इग्नोर करा। बट यार अब ये चीज़ ना सर के पार हो गई है, अभी इसका जवाब मेरे को देना पड़ेगा, नहीं तो ये आज मेरे पे कर रहा है, कल दूसरों पे करेगा, कल आपके ऊपर करेगा, तो स्टैंड तो किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा। करीब ऐसे करते करते इसने 75-80 वीडियो मेरे पे बना दी, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। बट कल ना मेरा पारा हाई हो गया और मैं ये देख के दिमाग खराब हो गया कि मतलब तुम एक फेक बंदा, एक नया चैनल है जिसके चैनल पे दो ही वीडियो और दूसरी वीडियो मेरी, और तुम उसको शाउट आउट दे रहे हो। यार तुमने कभी वेरीफाई करा वो चैनल की और वीडियो जेन्युइन है कि नहीं है? तो तुमसे बड़ा बेवकूफ यार न्यूज देने वाला, यार तुम न्यूज दे रहे हो क्या यार? तुम्हें ये नहीं पता जब वो फेक जो एक्सपोज वीडियो बनी उसमें वो कह रहा है कि जब तुम्हारी गाड़ी चोरी होती है तो तुम्हें 100 नंबर पे कॉल नहीं करना, थाने पे। तुम्हें यार इतनी कॉमन सेंस नहीं है यार कि ऑनलाइन FIR होती है कोविड के टाइम पे, तुम क्या घंटे की न्यूज दोगे यार? तुम मेरे से न्यूज ले लो यार, तुम्हारी न्यूज मैं बनाऊंगा आज। यार नियॉन मैन से सीखो यार न्यूज बॉय कैसे, वो तुम्हारा बाप है इस इंडस्ट्री में। तो मतलब न्यूज में मेरे को तेरे को इतनी हंसी आ रही है, तू इतना बेवकूफ शक्ल से ही है या असली दिमाग से भी इतना बेवकूफ है यार? हमें बेवकूफ समझता तू यार? मतलब इतना कॉमन आदमी ही बता दे, 150 सब्सक्राइबर जिस चैनल पे है, एक एक मात्र एक वीडियो को तू शाउट आउट दे रहा, तो तूने पैसे नहीं खाए होंगे यार? ये पब्लिक बेवकूफ है भाई, बता दे। तेरा तो कुछ नहीं जाएगा, तूने तो दूसरे यूट्यूबरों के कंधे पे रख के बंदूक चलानी है। आज ये यूट्यूबर, आज वो, कल वो यूट्यूबर, तेरा खुद का कंटेंट जीरो है। और इस चक्कर में पता है सफर कौन करता है? हम जैसे जो ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, जो अपना कंटेंट बनाते हैं, दिन रात धूप में शूट कर रहे हैं, रात में शूट कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ शूट कर रहे हैं और डाल रहे हैं, और तेरे को बस कुछ नहीं करना, बहुत तेरे को बस उठा के अपना रिव्यू दे देना हमारी वीडियो को। 6 लाख तुमने वैसे ही कर लिए। जब मेरा भाई तू घर से बाहर निकलेगा ना, इन एक बत्ती लगा के आ गया और एक पीछे बैकग्राउंड डाल के तू रोने वाली शक्ल लेके बैठ जाएगा और बोलेगा भाई ऐसे नहीं है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। मेरा भाई मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे तू आगे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। और थोड़ा सा इसका न्यूज बॉय का कंटेंट छानते हैं, तो देखते हैं इसने क्या क्या बनाया है। तो ये देखो भाई का टाइटल देखो जरा, गौरव जोन एंड हिज फ्रेंड अरेस्टेड। टाई बोलो यार, मतलब तूने कब देख लिया हमें जेल में और मेरे दोस्तों को? अब दूसरी वीडियो पे जाते हैं, इसने लिखा है गौरव जोन डाइड इन बाइक एक्सीडेंट। मैं जब इसने वीडियो अपलोड करी थी मैं बाहर था, लिटरली मेरी मम्मी परेशान होकर मेरे को फोन करती है क्या हो गया गोलू, कहाँ है, मैंने ये वीडियो देखी। मेरे सब्सक्राइबरों से मेरा इनबॉक्स मेरा फुल था, सब टेंशन में थे। भाई तेरे लिए किसी की मौत बहुत छोटा होगा, बट मेरे लिए बहुत बड़ा है। जिस पे बीतती है उसको पता रहता है। मैं बहुत मेंटली टॉर्चर होता है, ऐसे नहीं, ऐसे बहुत यूट्यूबर है, मैं अभी आगे बताऊंगा, इनकी बहुत छोटी छोटी हरकतें सिर्फ व्यूज के लिए ऐसी करते हैं, और हैरेसमेंट मेरे को झेलनी पड़ती है, इनकी मेंटली टॉर्चर मेरे को होना पड़ता है। कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था, तो जब मैंने अपनी सुपर बाइक ली थी उसी के 4-5 दिन बाद एक यूट्यूबर ने वीडियो डाली जिसमें मेरी थंबनेल मेरी बाइक के साथ और एक मेरी बाइक की क्रैश की फोटो डाल दी, और भाई कह रहे हैं मैंने इसको रोस्ट करा। भाई ये कौन सी रोस्टिंग होती है, तुम मेरी बाइक तोड़ के थंबनेल पे लगा रहे हो गौरव जोन बाइक एक्सीडेंट और उसके अंदर तुम बकवास कर रहे हो, ये रोस्टिंग हुई यार? मैं स्ट्राइक नहीं मानता, मारता क्योंकि मैं छोड़ो क्या बच्चे हैं, क्या स्ट्राइक मारो, इनको अकल आ जाएगी, एक दो वीडियो व्यूज आ जाएंगे, चलो कोई ना इनके मोनेटाइजेशन खुल जाएगी चैनल पे, इसलिए मैं स्ट्राइक नहीं। बट ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, आजकल बंदों ने सोच लिया नया चैनल खोलना है तो गौरव जोन नाम के करके डाल दो और व्यूज आ जाएंगे। ये बहुत गलत बात है, और आजकल मेरी टीम में बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन स्ट्राइक मारना हमने चालू कर दिया है, और करीब हमने 300 से ज्यादा चैनल डाउन करे हैं स्ट्राइक मार के, और बाकी अभी प्रोसेसिंग में है। अगर आपने भी डाली है अगर कुछ ऐसा करके विदाउट माई परमिशन, तो शायद आपके में भी स्ट्राइक आ जाएगी आज या कल। अब मेरे को पता है आप पे स्ट्राइक आएगी तो बहुत से बंदे पता ही क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके दिखाएंगे, देखो गौरव जोन ने मारी मेरे चैनल पे स्ट्राइक व्यूज के लिए। ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये होगा, डेफिनेटली होगा, मेरा नाम बदल देना नहीं हुआ तो। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ यार ये न्यूज फेक बॉय की न्यूज कौन डालेगा, खुद तो डालने से नहीं रहा कि मेरे को एक्सपोज कर दिया, क्या बोलता है? नियॉन मैन डालेगा? नियॉन मैन डालेगा, नियॉन मैन कवर होनी चाहिए सबके सामने, बोल रहा हूँ। और टू बी ऑनेस्ट मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इतनी लड़ाई यूट्यूबर्स में नहीं है जितने ये लोग भड़का के करवाते हैं। क्या करते हैं, फेक न्यूज बना देंगे, मतलब जैसे हमने मैंने व्लॉग करा, अब मेरी बात कोई काट के निकाल ली बीच में से, और फिर क्या कहेंगे कि भाई गौरव जोन ने ये वाला वर्ड
उस यूट्यूबर को बोला, जबकि हमारा कोई मतलब नहीं है ना, मेरा ना दूसरे यूट्यूबर का, सब अपना कमा खा रहे हैं यार, किसी को कोई मतलब नहीं। चलो होती है इस चीज से, चलो हमने सामने वाला यूट्यूबर तो ऑफेंड हो जाता है कि शायद कही हो, दिमाग में तो आती है वो चीजें, समझ रहे हो, इसलिए वो हर्ट हो जाता है, ऑफेंड हो, बीफ हो, जो कि अच्छी बात नहीं है यार। देखो कमाना तो अपना हक का कमाओ ना यार, अच्छे तरीके से कमाओ, क्यों किसी में लड़ाई करवा के कॉन्ट्रोवर्सी का। आपको तो पता है वैसे एक चैनल क्या कितने बदनाम है, होगी 10 रुपए की चीज बना के उसको 50 रुपए की देंगे। तो मैं मुद्दा बनाना, सुशांत सिंह का हुआ था तब तो तुम कुछ नहीं बोले, अमन बैसला हुआ तब तो कुछ नहीं बोले, गौरव जो उनकी गाड़ी एमसीडी में गई है, अरे भैया ये न्यूज है यार कोई, यार तुम तो हद ही कर रहे हो बॉस। तो गाइस देखो मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूँ, एक रियल चीज बताता हूँ कि जब एक लेवल पे यूट्यूबर आ जाता है तब उसको गिराने वाले, उसको गंदा बोलने वाले भतेर लोग आते हैं, बट जब वो जीरो से स्टार्ट कर रहा होता है तब उसको सपोर्ट करने क्यों नहीं आता। जब मैंने जीरो से स्टार्ट करा, मेरे को कितनों ने शाउट आउट दे दिया कि भाई गौरव जोन के 1000 फॉलोअर हैं, 0 हैं, 500 फॉलोअर हैं, इसको सब्सक्राइब करो, स्वाइप अप। तब किसी ने नहीं बोला कि गौरव जोन को ये हेल्प करो, ये करो, वो करो। अब लेकिन ये बोलने आते गौरव जोन ने, वो कर दिया, वो किस हक से बोल रहे हो बॉस, तुम किस हक से बोल रहे हो। चलो गाइस मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि आज मैं व्लॉग नहीं डाल पाया, आउट ऑफ द टॉपिक। मैं बहुत रेयर ही बोलता हूँ सोशल कॉज में और इन सब में, क्योंकि आपको पता आजकल का कैसा माहौल है, अगर आप किसी की हेल्प करने जाओ वही आपको गाली देता है, सबसे पहले वही आपको गाली देगा, आपके दोस्त आपसे चिढ़ेंगे अगर आप कामयाब हो रहे हो तो, सबसे पहले दूर के बंदे नहीं आपके अपने पहले चिढ़ते हैं, ये चीज याद रखना। आजकल तो जमाना ऐसा किसी की हेल्प करो और वही तुम पे पुलिस केस करता है, तो भैया अब तो हेल्प करने में डर लगता है हमें कि करी जाए कि नहीं करे, आदमी दो बार ही सोचेगा, ऐसा जमाना चल रहा है। ठीक है गाइस इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, बाकी आप में खुद दिमाग है, आपको पता है कि कौन सी न्यूज़ फेक है कौन सी जेन्युइन है, सही बंदे को फॉलो करो, मार्केट में इतने अच्छे अच्छे न्यूज़ देने वाले हैं और अच्छा कंटेंट भी है, मैं मना नहीं कर रहा, बट हर चीज़ में एक खदोड़े आते हैं ना, जैसे वैसे इस लाइन में खदोड़ा ये न्यूज़ वो है, तो ऐसे फेक न्यूज़ वालों से बच के रहें, ये बस आपका ध्यान डाइवर्ट करते हैं, यूट्यूबर्स को बदनाम करते हैं ये चंद पैसों के लिए। #unsubscribe #unfollow, तो आज से इसका नाम #fakenewsboy। भाई जो न्यूज बॉय ने जो मेरी वीडियो डाली गौरव जोन एक्सपोज करके, उस पे मेरे को 1,00,000 डिसलाइक चाहिए गौरव जोन आर्मी के लिए, अगर मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखना चाहते हो तो पीस आउट, लव यू। और अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में उस फेक न्यूज बॉय की वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाओ खोलो डिसलाइक मारो, 1,00,000 डिसलाइक का एम है, देखते हैं अपनी गौरव जोन आर्मी गौरव जोन के लिए करती है कि नहीं करती है।